मेरा तो आमिर खान जी सहित बाकी जो भी कलाकार हैं, उन सबसे, निर्माता निर्देशक हैं, उन सबसे एक निवेदन है कि माफी मांगने जैसी स्थिति क्यों बनती है। गाने में प्रयुक्त की गई वेशभूषा प्रथम दृष्टया ही दोषपूर्ण है। हमारी आस्था के जो केंद्र बिंदु हैं, उनको जिस रूप में दिखाया गया है वो अच्छा नहीं है। मैं इसके जो निर्माता हैं ओम राउत जी, उनको पत्र लिख रहा हूं कि इस तरह की जितने भी दृश्य हैं इन्हें वो हटाएं। एमपी के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा के ये वो बयान हैं जो पिछले कुछ महीनों में उन्होंने बॉलीवुड फिल्मों को लेकर दिए हैं। गृह मंत्री रोजाना मीडिया ब्रीफिंग करते हैं, चुनिंदा विषयों पर प्रतिक्रिया देते हैं, ये विषय उनके सलाहकार सजेस्ट करते हैं, और अभी जो प्रतिक्रियाएं हमने आपको दिखाई वो सलाहकारों के सुझाए विषयों पर ही दी गई थी। अब सलाहकारों की सलाहें डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा को महंगी पड़ गई हैं, क्योंकि पीएम मोदी ने इस पर कड़ी आपत्ति ली है। बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के आखिरी दिन पीएम मोदी का भाषण हुआ। भाषण से पहले गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने दो तस्वीरों के साथ एक ट्वीट किया था कि बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक के दूसरे दिन आज यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रेरक मार्गदर्शन को लेकर उत्साहित हैं। अब जिस भाषण का इंतजार डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा बेसब्री से कर रहे थे वो हुआ, और भाषण में पीएम मोदी ने जो बोला उसके बाद नरोत्तम मिश्रा का उत्साह जरूर काफूर हो गया होगा, क्योंकि पीएम ने भाषण में कहा एक नेता हैं जो फिल्मों पर बयान देते रहते हैं, उनके बयान टीवी पर चलते रहते हैं और उन्हें लगता है कि वो नेता बन रहे हैं। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी उन्हें फोन किया लेकिन वो मानते ही नहीं। क्या जरूरत है हर फिल्म पर बयान देने की? पीएम मोदी ने नाम तो लिया नहीं लेकिन इशारों में बता दिया कि वो किस नेता की बात कर रहे हैं। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में हर नेता की गर्दन घूमी होगी नरोत्तम मिश्रा की तरफ। अब दूसरे दिन जब उनसे पूछा कि कैसा था पीएम मोदी का भाषण, तो उन्होंने कहा कि मोदी जी का हर शब्द और हर बात शिरोधार्य है। बहरहाल पीएम मोदी के हर शब्द और हर बात को शिरोधार्य बताने वाले गृह मंत्री से उम्मीद है कि अब अगली किसी भी फिल्म की कंट्रोवर्सी में वो नहीं पड़ेंगे। बोला फिल्मों को लेकर बोला कि हमारे मंत्री जी फिल्मों पे कमेंट करते रहते हैं, फिल्मों पर कमेंट करने से बचना चाहिए। उनका हर शब्द हर बात हमारे लिए सुरोदार है और इसलिए सारे कार्यकर्ता वहां से प्रेरणा लेके आए हैं। हमारे जो आचरण और व्यवहार हमेशा उनके मार्गदर्शन से ऊर्जा से भरते हैं और आगे भी भरे रहे। सर, मध्य प्रदेश को लेकर क्या रणनीति रहेगी आज, उसके बारे में क्या है? मध्य प्रदेश को लेकर क्या रणनीति रहेगी, कंपटीशन बढ़ता जा रहा है सर। मध्य प्रदेश के बारे में द सूत्र की खबरों को देखने के लिए प्ले स्टोर और एप्पल स्टोर से डाउनलोड करें हमारा ऐप द सूत्र। आप हमारी खबरें thesootra.com पर भी देख सकते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं, साथ ही यूट्यूब पर भी हमें सब्सक्राइब करें। यदि आपकी नहीं हो रही कोई सुनवाई और आपके पास है कोई खबर तो हमारे व्हाट्सएप नंबर 7000024141 पर भेजिए और बनिए हमारे सूत्र।